ऐसा ना हो कल आपके पापा को ये कहना पड़ जाए कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये वर्ड जिस दिन आपके पापा ने किसी को बोल, ऐसा काम करो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। वास्तव में बता रहा हूं, नाम हो जाए। मतलब अभी क्या है, आप मेहनत कर रहे हो, आपके घर वाले, आपके पापा किसी के पास बैठते हैं, वो पूछता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, वो कहता है मेरा बेटा तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो? लगता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कल आपके पापा को ये कहना पड़ जाए कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये वर्ड जिस दिन आपके पापा ने किसी को बोल दिए ना भाई साहब, आपका पूरा जीवन व्यर्थ है उस दिन, पूरा जीवन व्यर्थ है आपका, जिस दिन आपके पापा को ये बात किसी को बोलनी पड़ गई कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है। सोच के देखो वो समय जिस उनके जी पे क्या बीतेगी जब वो किसी से ये कहेंगे मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या उन्होंने इसी दिन के लिए आपको पैदा किया था कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं करेगा? क्या इस दिन के लिए आपको पढ़ाया था? ऐसा काम करो कि आपकी औलाद अब से 20 साल बाद अगर चार लोगों में बैठे ना, अपने चार दोस्तों में अगर आपकी औलाद किसी के पास बैठे, तो वो उनसे ये ना कहे, उन आपके बेटे से वो पूछे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपके बेटों या फिर बेटी के जवान से ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि मेरे पापा जी कुछ नहीं करते हैं। वो दिन आपकी जिंदगी का ये मान लो सबसे बुरा दिन होगा जिस दिन आपके बच्चों के मुंह से यह बात निकल गई। तो कुछ ऐसा करो कि आपके बच्चे आप पे प्राउड फील करें। टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का समय है। मैं मोटिवेशन हमेशा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक इंटरनली मोटिवेशन आता है, इंटरनल मोटिवेशन। आप कोई भी वीडियो देख लो, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होगा? आप आंखें बंद करो, आप सोचो कि जिस दिन आपका लिस्ट में नाम होगा ना, आपका नाम लिखा रहेगा लिस्ट में, और वो लिस्ट जाके आप अपने पापा को बताओगे कि पापा मेरा नाम एसएससी जीडी की लिस्ट में आ चुका है। और उस टाइम पे अपने पिताजी की, अपने मम्मी की आंखों में देखना, कितनी खुशी की चमक होगी। 10 लोगों को बताएंगे वो लोग, ये बात बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देख लो देख लो, ये बात बोलते आपके रोंगटे कैसे खड़े नहीं होंगे, आपके माता पिता के रोंगटे कैसे खड़े नहीं होंगे। 10 लोगों को बताएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, उनको तो आज भी दो रोटी खाने को मिल रही है, जब आप लग जाओगे जब भी उनको दो रोटी खाने को मिलेंगी, रोटी की किसी को कमी नहीं होती है। लेकिन एक खुशी होती है ना, आपके पिताजी 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक मन करता है उन लोगों को बताने का कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे प्राउड फील हो रहा है। तो कुछ करो यार, ऐसा 30-35 दिन बच रहे हैं, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, लेकिन लग जाओ। कुछ एक्स्ट्रा चीज मत करो, वीडियो पीडियो मत देखो, बाद में देख लेना यार, बहुत समय है चीजों को देखने का, बहुत समय है, ठीक है। चलिए अगले सवाल, अब व्रत पे चलते हैं। देखो व्रत के